Recording. क्या हुआ? बाकी के लोग रेड शिफ्ट शुरू नहीं किया क्या आप लोगों ने? आपको ना दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेगी अभी। साइड बाय साइड हमारे AWS के भी टॉपिक्स होंगे, इसके बाद भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमेनिंग है, लाइक एयर फ्लो है आगे और बेसिक सर्विसेज है लाइक RDS, लैम्बडा। वो भी आपको साथ साथ में कवर करना पड़ेगा। जैसे वीकेंड में आप स्नोफ्लेक करोगे, बाकी 5 दिन फिर आपको AWS के सेशन होंगे तो वो भी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ज्यादा आर्स बढ़ाने हैं, वो आपका डिसीजन है। ठीक है, यू विल हैव टू मैनेज विद इट। ठीक है, उसके बाद आपको शायद दिवाली के टाइम पे टाइम मिलेगा, तब आप कर लेना बाकी चीजें कवर। ठीक है, वी कैन, ओके, आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट फॉर द डे। ओके, ठीक है। अब तक क्या किया है हमने? रेड शिफ्ट में क्या क्या चीजें कवर की है, कोई रिकैप करा सकता है क्या इसका? इज देर एनीवन? यस सर. बोलो। सो वी हैव लोडेड द डेटा इन द टू वेज, वन फ्रॉम द ग्लू डेटा लॉग कैटलॉग एंड वन फ्रॉम द S3. ओके, ठीक एंड वी है। हैव परफॉर्म सम SQL क्वेरीज यूजिंग द नोटबुक और एडिटर. ओके ओके, ठीक है। और थ्योरी में क्या कवर किया है, किसी को याद है थोड़ा बहुत? आर्किटेक्चर में कुछ कवर किया था हमने। यस सर, आर्किटेक्चर. आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, बोलो। यस, एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. हाँ, कोई बोल रहा था अभी, उनका आवाज ब्रेक हो गया। यस सर, आर्किटेक्चर, उसके बाद परफॉर्मेंस फीचर देखा था, डाटा सिक्योरिटी एंड वर्क ग्रुप, नेम स्पेस, लाइक ओके वी ओके, हैड कॉलमनर स्टोरेज, वहां तक देखा था. ठीक है। हमने वर्क ग्रुप और नेम स्पेस क्या होता है, हमने वो देखा, यस कवर सर. किया है। और मैंने बोला था आपको कि जब सर्वरलेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग रेडशिफ्ट सर्वरलेस, तो उसमें हमें वर्क ग्रुप और नेम स्पेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डू वी नो व्हाट इज वर्क ग्रुप एंड व्हाट इज नेम स्पेस? कैन वी अबाउट वर्क ग्रुप एंड नेम स्पेस, मतलब मेजर मेजर डिफरेंस आपको बताना है अगर, कैन एनीवन टेल? वर्क ग्रुप इज फॉर द कंप्यूट रिसोर्सेज एंड नेम स्पेस इज फॉर द स्टोरेज रिसोर्स, अवेलेबल स्टोरेज. ओके, बेसिकली वर्क ग्रुप एंड नेम स्पेस आर सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड कंटेनर्स वेयर वी कॉन्फिगर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो फॉर वर्क ग्रुप वी कॉन्फिगर कंप्यूट रिसोर्सेज। व्हाट ऑल थिंग्स इंक्लूड्स इन कंप्यूट रिसोर्सेज यू गाइज नो। एंड इन नेम स्पेस वी कॉन्फिगर स्टोरेज रिलेटेड रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस, टेबल्स, यूजर्स, दिस स्कीमा, दिस टाइप ऑफ स्टफ। ठीक है, तो कैन एनी वन टेल वाई डू वी डू दिस, वाई इट इज नेसेसरी टू डू इट? हम लोग आइसोलेट क्यों करते हैं कंटेनर? मतलब एक सर्वरलेस प्रोविजनिंग में कंटेनर का इम्पोर्टेंस किसी को पता है, या फिर आइसोलेटेड वर्क स्पेस वर्क ग्रुप का इम्पोर्टेंस कुछ पता है किसी को? हमने ये काफी बार कवर किया, इफ यू कैन ब्रीफली टेल मी ऑल्सो दैट इज ओके। किसी को नहीं पता ये, जो भी आपके वर्डिंग है उसमें बता सकते हो आप? एनीवन? हेलो यस, बोलो। सर, इट इज यूज्ड टू सेपरेट आवर वर्किंग एनवायरनमेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस एंड आल्सो इट इज एग्जैक्ट यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्पसेस. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड वी कैन असोसिएट डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट कॉन्फिगरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेनर, राइट? और एंड नॉट नेसेसरली एवरी अदर सर्वरलेस प्रोविजन क्लस्टर विच इज इन बैकग्राउंड फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देयर कैन बी मल्टीपल यूटिलिटीज, राइट? सो वी डू क्रिएट डिफरेंट वर्क ग्रुप एंड नेम स्पेस फॉर इट। ओके,
so that we can attach security policies or any other additional configurations related to it. ठीक है, तो और उसको isolate करते हैं हम लोग to avoid the interference of external systems. ठीक है, तो ये basic difference है, इतनी चीज तो बोलने आनी चाहिए थी. ठीक है, ओके करेक्ट बोला है आपने. और चलो आज क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स सी हाउ टू प्रोविजन रेडशिफ्ट सर्वरलेस यूजिंग बाय क्रिएटिंग वर्क ग्रुप एंड नेम स्पेस. ओके, एंड उसके बाद हम लोग व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉपी कमांड एंड विल ट्राई टू लोड द डेटा यूजिंग कॉपी कमांड फ्रॉम S3. ओके, तो इतना ही एजेंडा है आज के लिए हमारा. द सेशन विल बी वेरी ब्रीफ और कल हम लेंगे रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम. ठीक है, रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो विल क्रिएट अ वर्क ग्रुप. वी नो व्हाट इज वर्क ग्रुप, सो विल स्टार्ट विद इट. लेट्स गिव अ नेम. हम लोग जो नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं फॉर दिस डेटा साइंस वर्क ग्रुप. ओके, एंड व्हाट इज दिस थिंग, कैपेसिटी. दिस इज अ बेस कैपेसिटी. ओके, क्या होता है आपको ये तो पता है, सर्वरलेस इंजिन में Redshift takes care of its node capacity. Okay, जो भी processing related nodes है उसकी take care कौन करता है, आपका Redshift करता है. You don't need to provision anything, right? लेकिन in case of Glue also, Glue being a fully managed service, okay, fully managed service, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ चीजें provide करते थे related to worker type, number of worker nodes provide करते थे हम लोग. Yes, sir. करते थे ना. ठीक है, तो क्यों करते थे हम लोग, कोई भी एक बैकग्राउंड एल्गोरिदम को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कितने कंप्यूट यूनिट्स लगेंगे. ठीक है, तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है. इन हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग ये बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद इट इज वेरी मच क्या बोल सकते हो, रेडशिफ्ट कैन मैनेज योर कंप्यूट रिसोर्सेस वेरी एफिशिएंटली अगर आप कोई बेस प्रोवाइड करते हो. ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम को वर्क करने के लिए ना एक बेस वैल्यूज होनी चाहिए, उसका रेफरेंस लेके वो फिर उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है. अदरवाइज उसको आपके डेटा को एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि आपके डेटा के हिसाब से और आपके जो भी ट्रांसफॉर्म्स है या फिर आपकी नीड्स है उसके हिसाब से उसको अडेप्ट करने में काफी टाइम लग जाता है. ठीक है, इफ यू हैव एनी रेफरेंस, समझ रही है कि ये बात आपको, व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, समझ रही है राइट? हाँ, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड अ बेस कैपेसिटी. और इतना तो पता है आपको कि बेस कैपेसिटी मतलब क्या हो सकता है, इसका लिटरल मीनिंग बेस कैपेसिटी का क्या हो सकता है कि दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर मिनिमम प्रोविजनिंग. अगर नीड अराइजेस देन रेडशिफ्ट कैन टेक केयर ऑफ एडिंग मोर आरपीयू. हमें ये पता है व्हाट इज आरपीयू, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज आरपीयू? रेडशिफ्ट प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, मैंने ये बताया आपको व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट लाइक इन टर्म्स ऑफ रैम वर्चुअल कोर्स, ये बताया मैंने. यस सर, कितना कोई बोल सकता है ये, टू सीपीयू इज इक्वल्स टू वन वीपीयू, टू वी सीपीयू कोर्स. एंड व्हाट अबाउट रैम, 16 जीबी. अब मतलब डॉक्यूमेंटेशन में तो रैम मेंशन किया है लेकिन मैंने कहीं पे ये टू VCPU कोर्स देखा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम मतलब मैंने आपको बताया है एक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक वेरीफाई कर लो अपने एंड से भी कि वन आरपीयू का इक्विवेलेंस क्या होता है. ठीक है, तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट नंबर ऑफ कोर्स. ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि डॉक्यूमेंटेशन में 16 GB ऑफ मेमोरी फॉर वन सीपीयू कोर वन आरपीयू दिया हुआ है. ठीक है, जस्ट यू नीड टू वेरीफाई अबाउट VCPU कोर्स. ओके, लेकिन मैंने कहीं पे देखा था 2 VCPU कोर ही है, एक बार वेरीफाई कर लेना. ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल प्रोविजन अ बेस कैपेसिटी लाइक 32 RCPU कर लेते हैं अभी के लिए. ठीक है,
बेस कैपेसिटी समझ में आ गया। तो बेस कैपेसिटी में एक पॉइंट याद रखना है, जो भी बेस कैपेसिटी प्रोविजन कर रहे हो तो रेट शिफ्ट वो मिनिमम उतने नंबर ऑफ आरपीयूज यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एंड टू इम्प्रूव द क्वेरी परफॉर्मेंस इट इंक्रीजेस द आरपीयू वैल्यू डिपेंड ऑन नेट्स। हमें ऑटो स्केलिंग तो पता ही है, राइट, सॉर्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग ये, ठीक है, लेकिन इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब वो नंबर ये इसके नीचे नहीं जाता है, बेस कैपेसिटी के नीचे नहीं जाता है, इफ इफ इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब उतना कंप्यूट पावर अगर नेसेसरी नहीं है तो भी उसके नीचे नहीं जाता है, बिकॉज यू हैव प्रोविजन दिस कैपेसिटी। ओके, ये चीज समझ में आई, बेस कैपेसिटी क्या है? मैं पूछ सकता हूँ किसी को? अमोल जाधव बोलो, व्हाट इज बेस कैपेसिटी? अमोल आर यू देयर? कुड यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट व्हाट व्हाट यू डिडंट गेट, मतलब आपको आपने सुना क्या व्हाट इज बेस कैपेसिटी? यस, तो जो भी सुना है वो बता दो, मैं करेक्ट कर दूंगा आप, ठीक है। यू नो व्हाट इज वर्क ग्रुप? यस यस, क्या होता है वर्क ग्रुप? बोलो, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ओके, ठीक है। तो बेस कैपेसिटी में क्या नहीं समझे, डू यू नो व्हाट इज आरपीयू? यस, डेट शिफ्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, ठीक है। तो बेस कैपेसिटी क्या है, देखो कोई भी क्लस्टर या फिर सर्वरलेस मशीन का एक रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। आप जब एक एवरेज लाइक इन ग्लू यू प्रोवाइड नंबर ऑफ वर्कर नोड्स, ओके, तो उसके रेफरेंस से ग्लू में AWS आपका एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड में क्लस्टर प्रोविजन करता है। सर्वरलेस डज नॉट मीन इट डजंट हैव अ क्लस्टर इन बैकग्राउंड, सर्वरलेस ओनली मीन्स द क्लस्टर विच हैज बीन प्रोविजन बाय AWS इन बैकग्राउंड विल बी टेकन केयर बाय AWS इटसेल्फ एंड अ यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है, इतना यही है ना। तो बैकग्राउंड में क्लस्टर तो दोनों इसमें क्रिएट हो रहा है, तो एक फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी क्रिएशन है उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ बेस कैपेसिटी। एंड बेस कैपेसिटी के बारे में ये चीज याद रखनी है, बेस कैपेसिटी इज मिनिमम नंबर ऑफ आरपीयूज दैट विल बी प्रोविजन थ्रू आउट द प्रोविजन टाइम और कंप्यूट टाइम, ठीक है। उसके नीचे आपके प्रोविजन आरपीयू नहीं जाएंगे, इफ नीड अराइजेस उसके ऊपर जा सकते हैं, रेड शिफ्ट एड्स नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल आरसीपीयूज टू इट, ठीक है। अब बता सकते हो क्या है बेस कैपेसिटी? यस, इट इज लाइक मिनिमम मींस मिनिमम कैपेसिटी मींस व्हाइल वो मिनिमम कैपेसिटी है जो मतलब सर आरपीओ जब ये करेगा तो आई एम नॉट एबल टू। ओके, ठीक है, मतलब आरपीयू जब ये करेगा नहीं, आपका क्लस्टर प्रोविजन होता है, राइट, क्लस्टर प्रोविजन क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम है, बराबर, यस, वेदर यू आर यूजिंग प्रोविजन ऑफ प्रोविजनिंग और अ सर्वरलेस ऑप्शन इन बैकग्राउंड क्लस्टर ऑफ कोर्स इन बोथ केसेस गेट्स प्रोविजन, बराबर। तो जब क्लस्टर प्रोविजनिंग होता है, ठीक है, तो उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए दिस विल बी योर मिनिमम नंबर ऑफ आरपीयूज दैट हैव बीन प्रोविजन। What would be maximum number? What would be maximum number? कोई बोल सकता है? 112. It will be depend on the like the query, sir. Yes, exactly. AWS will take care of increasing the RPU values, right? We don't know. ये जो default value लिखा है, आप 128 बोल रहे हो ना? बेस आरपीयू कैपेसिटी सेट टू 120 आरपीयूज बाय डिफॉल्ट। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे हमने देखा था वो बेस मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 128 लेता है, वो चीज के बारे में बोल रहे हैं, 128 इज दैट वैल्यू डिफॉल्ट, ओके, बट रिगार्डिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आरपीयूज दैट कैन बी प्रोविजन और दैट विल बी यूटिलाइज विल डिपेंड ऑन व्हाट जॉब यू आर परफॉर्मिंग ऑन दैट सर्वरलेस मशीन, राइट।
उसके हिसाब से इट कैन इंक्रीज अप टू व्हाट एक्सटेंट वी डोंट नो. ओके सर, देयर इज रेंज गिवन, यस यस 512 है, ठीक है, लेकिन एक आप परफेक्ट वैल्यू पे आप अराइव कर सकते हो क्या? दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि 512 पर तक कर सकते हो. मुझे पूछना था कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी यूटिलाइज्ड, नॉट नेसेसरली 512, राइट? अगर 420 तक आपकी मतलब समझो ये वैल्यू होगी, हाँ 440, उसी तक आपका वर्कलोड गया है, ठीक है, तो दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू यूटिलाइज फॉर दैट सर्वरलेस इंजिन, राइट? डिड यू गेट माई पॉइंट? सबको समझ में आया? लेकिन मैक्सिमम अगर यहाँ पे देखते हो, मैक्सिमम वैल्यू इज 512 आरपीयूज. ओके, तो यू कैन कीप इन माइंड 512 मैक्सिमम वैल्यू अभी के लिए. ये सारी चीजें ना चेंज होती रहती है, जब नया वर्जन आता है या फिर नए अपडेट्स आते हैं एंड नीड अराइजेस, दे डू चेंज दिस थिंग्स, ठीक है. तो बेस कैपेसिटी हो गया. व्हाट अबाउट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी? हम लोग यहाँ पे ना अपना वीपीसी कॉन्फिगर करते हैं. आई विल बी यूजिंग आर डीएस वीपीसी डेटा साइंस के लिए जो मैंने क्रिएट किया था. एंड रिगार्डिंग सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप फॉर रेडशिफ्ट एंड इन इनबाउंड रूल एड अ रेडशिफ्ट पोर्ट. व्हाट डू यू नो व्हाट इज द रेडशिफ्ट पोर्ट नंबर? किसी को पता है रेडशिफ्ट के पोर्ट का नंबर? किसी को पता है क्या? 5439X. 5439 है सर. 5439, exactly. Yes. चलो, तो हम लोग मैं एक बार आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखा देता हूँ, मतलब जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है उस समझ में आ जाएगा. ओके, तो मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके रख दिया है रेडशिफ्ट के लिए. ओके, जस्ट इनबाउंड रूल में मैंने रेडशिफ्ट पोर्ट ओपन करके रखा, और कुछ नहीं है उसमें बेसिक. आउटबाउंड रूल में सारी ट्रैफिक अलाउड है, और ये देखो सिर्फ रेडशिफ्ट पोर्ट और SSH किया है. SSH इज नॉट नेसेसरी, मैंने डाल दिया था बस, ठीक है. आपका नेसेसरी पैरामीटर इन योर सिक्योरिटी ग्रुप फॉर आपके वर्क स्पेस क्रिएशन इज रेडशिफ्ट पोर्ट, राइट? तो पोर्ट रूल में एडेड है, ठीक है. 5439 इज योर रेडशिफ्ट पोर्ट, ठीक है. रेडशिफ्ट पोर्ट आपको ओपन क्यों करना पड़ेगा बताओ? रेडशिफ्ट से ट्रैफिक अलाउ करने के लिए. रेडशिफ्ट से ट्रैफिक या रेडशिफ्ट में ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक इनटू या ट्रैफिक आउट ऑफ? ट्रैफिक इनटू, राइट? दिस इज इनबाउंड. ओके, why do you want to allow this traffic? क्योंकि आपको बाहर से डेटा लेना है यार. यस सर, डाटा स्टोर करने. यस, S3 से डेटा आने वाला है, तो आपके रेडशिफ्ट में अगर आपका रेडशिफ्ट पोर्ट इनेबल्ड नहीं है तो हाउ इट विल अलाउ दैट डेटा ट्रांसफर? बराबर, पोर्ट का सिग्निफिकेंस पता है क्या आपको? व्हेन वी से वी आर डूइंग SSH इनटू आवर मास्टर नोड ऑफ एनी क्लस्टर, what are we doing? We are making a request to that EC2 instance, right? What is that request? To perform certain operations on it, okay? So, uske compute resources ko access karne ka try kar rahe, right? That is into the system. So, for that, you need to open a port number 22, to enter into functionality of that instance. So, uske liye aap port number 22 enable karte ho. जो आपकी जो रिक्वेस्ट की ट्रैफिक है वो पोर्ट नंबर 22 से आपके मशीन में जा रही है, ठीक है. कोई भी सिंपल एनालॉजी देखो, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हो आप, तो उस गांव का एक मेन गेट होता है, राइट? मतलब गांव की बात ले लो, ठीक है, सिटी में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर एक आउटसाइड में कोई विलेज है, वहां पे एक मेन गेट होता है. टू गो इनटू दैट विलेज यू नीड टू एंटर फ्रॉम दैट गेट, राइट? So this port is sort of that get into accessing resources or functionality of your village, sort of, ठीक है, of your service. Okay, समझ में आया port क्या होता है and why do we need to open this port in Redshift? Yes sir. Yes sir. चलो, तो आप security group बना लोगे, वो basic security group create करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ inbound rule में सिर्फ 5439 open कर लोगे. किसी को दिक्कत इसमें? यस सर.
ये दिक्कत के लिए या फिर कर लोगे उसके लिए? कर लेंगे सर। कर लेंगे ठीक है चलो, तो वी कैन मूव अहेड। ओके कहाँ थे हम लोग? हाँ, सो दिस वन इज आर वीपीसी, विल सिलेक्ट दिस। ओके दिस वन इज माय सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, नहीं तो ना अगर सिक्योरिटी ग्रुप में प्रॉपर परमिशंस नहीं रहेगी तो आपका वर्क स्पेस फेल होता है टेंशन, तो एक बार देख लेना बस। एंड वी, और एक चीज और याद में याद रखना, फॉर दिस नो सबनेट आईडीज आपके तीन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में प्रोविजन चाहिए। ठीक है, ये समझ में आता है? सबनेट इज रिलेटेड टू योर अवेलेबिलिटी जोन। इतनी बात पता है हमें? यस सर, यस यस। सर, ठीक है, यस सर। ओके, तो आपको ना जो भी तीन सबनेट सबनेट या फिर चार सबनेट जो भी प्रोविजन कर रहे हो, एटलीस्ट थ्री शुड बी इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो आई'ल बी सिलेक्टिंग ऑल फोर। मुझे पता नहीं है कि तीन कौन से अलग अलग है। ठीक है, तो आई हैव सिलेक्टेड फोर एंड थ्री आर इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, और उसकी आईपी रेंज भी फ्री होनी चाहिए। ये पढ़ा है क्या आपने बीपीसी में IPv4 CIDR वगैरह पढ़ा है क्या? यस सर, यस थोड़ा यस बहुत, सर, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की यस। जरूरत नहीं है। यू शुड बी एबल टू सर्च। ठीक है, एटलीस्ट आपने एक VPC के लिए आपका IPv4 CIDR कॉन्फिगर होता है, उसके हिसाब से सबनेट के लिए उसका IPv4 CIDR कैसे सर्च करना है ना, उतना तो भी पता होना चाहिए। इतनी चीज पता है हमें? यस सर, चैट जीपीटी यस विल सर। गिव यू दैट ऑल्सो। ठीक है, चलेगा? तो वो वहां से करना है आपको। कैलकुलेशन, आईपी की कैलकुलेशन वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसने ट्राई किया होगा ना टेक्निकल गुफ्तगू के लेक्चर्स देख के, तो डोंट डोंट डू दैट। दैट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्क यू विल बी डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके ठीक है, तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। इन सिक्योरिटी ग्रुप यू नीड टू अलाउ अ पोर्ट 5439 एंड इन सबनेट योर सब थ्री डिफरेंट सबनेट्स शुड बी इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट? लाइक वी आर यूज आई एम यूजिंग नॉर्थ वर्जीनिया, दैट इज US East 1। तो मेरी एक सबनेट US East 1 ए में होनी चाहिए, 1 B में, 1 C में। ठीक है चलो, ओके विल मूव अहेड नेक्स्ट। ओके, तो इफ वेदर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ नेम स्पेस और नॉट, आई डोंट हैव एनी नेम स्पेस दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। डीएस नेम स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके चलो, फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो हम लोग अपना वाला नया क्रिएट कर देते हैं। PS1। ठीक है, तो ओके, इफ यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम स्पेस यू कैन एड इट फ्रॉम हियर। आई डोंट वॉन्ट टू यूज इट, तो मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, और एक पॉइंट याद रख लो। इन दिस सर्वरलेस, लेट्स यू सर्वरलेस नो, योर वर्क ग्रुप एंड नेम स्पेस हैव वन टू वन रिलेशनशिप। हाँ, मीन्स अ नेम स्पेस कैन बी अटैच टू ओनली वन ग्रुप वर्क ग्रुप एंड ओन वन वर्क ग्रुप कैन हैव ओनली वन नेम स्पेस, वन टू वन रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर, ओके चलो, तो लेट्स मूव अहेड। वील एसोसिएट दिस कमांड एक्सेस रोल। सबने अपना अपना कमांड एक्सेस रोल क्रिएट किया है क्या? लोड वगैरह लोगों लोड लोड सॉरी लोड वगैरह करके देखा है क्या डेटा आपने? यस सर, यस ठीक है, सर, लोड डेटा फ्रॉम AWS डेटा कैटलॉग और फ्रॉम S3 ऑल्सो, राइट? यस यस तो सर, आपको कमांड रोल, कमांड एक्सेस रोल लगा होगा वहां पे। कितने यस सर, यस लोगों सर, ने क्रिएट किया ये चीज और परफॉर्म करके देखा है? आई जस्ट वॉन्ट अ नंबर, मैं किसी को पूछने वाला नहीं हूं वैसे भी। J26। बाकी लोग क्या कर रहे हो? दो चीजें हैंडल नहीं हो रही। Only 27। आपको क्रिएट करके दिखाऊं क्या मैं कमांड एक्सेस रोल? उसमें दिक्कत आई है क्या किसी को, या फिर आपने
ट्राई ही नहीं किया। बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है मुझे बस बता दो कि किया नहीं है या फिर कुछ दिक्कत आई है। सर किया नहीं है ओके कब करोगे? सर, आज हो जाएगा। ओके मतलब डिले क्यों आपका वैसे, आप अगर बताना चाहते हो। सर मेरा कंपनी का वर्कलोड ज्यादा था। हाँ ओके ओके नॉट एन इश्यू, लेकिन कर लो आप, कर सर, लो ठीक है। बाकी लोग सब लोग सबको कंपनी का वर्कलोड ज्यादा था क्या? हेलो सर, हाँ बोलो। माय लैपटॉप इज फेसिंग इशू ऑफ वायरस इशू, दैट्स व्हाई द ओके 3 डेज आई एम लैगिंग बैक। सो ठीक है, आज मतलब कर सब, लेंगे। हाँ लेकिन हाँ ठीक है, आप कुछ लोगों के इश्यूज होंगे लेकिन बाकी लोगों को टाइम नहीं मिला, ऐसा है क्या? नवरात्रि शुरू है, इधर उधर जाना है, उसकी वजह से आई कैन अंडरस्टैंड ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के परफॉर्म कर लो जो चीज जिस दिन हो रही है ना, जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, एटलीस्ट 1-2 घंटे स्पेंड कर लो उस पे, बाकी टाइम एंजॉय कर लो। आपका प्रेरोगेटिव है वो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, लेकिन चीजें तो करनी चाहिए आप ठीक है, जो भी आपसे एक्सपेक्टेड है लेक्चर में। चलो तो कर लो ये चीज, कर लो आज ठीक है, अदरवाइज आगे की चीजें समझ में भी नहीं आएगी हमें, तो विल मूव अहेड। ओके वी हैव सिलेक्टेड दिस कमांड एक्सेस रोल। ओके वी डोंट वांट टू एनक्रिप्ट एनीथिंग और डू वी नीड टू एक्सपोर्ट एनी लॉग्स, अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में जब हम लोग एक एंड टू एंड डेमो करते हैं ना उसमें देखेंगे चलेगा। तो विल गो नेक्स्ट, DSO ग्रुप 32 बेस कैपेसिटी, नेम स्पेस 1। ओके और या ठीक है चलो लेट्स डू इट। ओके दिस विल टेक सम टाइम, ओके थोड़ा टाइम लेता है सर्वरलेस प्रोविजनिंग के लिए, और तब तक क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके चलो, तब कॉपी कमांड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसको प्रोविजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग कॉपी कमांड के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि लोड करने के कितने मैकेनिज्म है हमारे पास रेड शिफ्ट में, ड्यू लोडिंग डेटा इनटू रेड शिफ्ट कितने हैं ऑप्शंस? डेटा कैटलॉग S3। डेटा S3 नो, दोज आर द सोर्सेस राइट, द मैकेनिज्म्स आई एम टॉकिंग, स्पेक्ट्रम वन एंड इज कॉपी, कॉपी, स्पेक्ट्रम एंड कॉपी कमांड। एंड वन इज कॉपी कमांड। ओके तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वेज टू लोड डेटा इन टू रेड शिफ्ट। ओके तो व्हाट कैन बी दोज टू वेज, वन इज योर कॉपी कमांड। ओके एंड अदर वन वुड बी योर रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम ठीक है। तो इसमें ना डिफरेंस जान लो, कॉपी कमांड में हम लोग एक इंटरनल टेबल क्रिएट करते हैं ठीक है, इंटरनल और मैनेज टेबल क्रिएट करते हैं ठीक, एंड डेटा इज एक्चुअली मूव टू दिस टेबल। ओके मतलब रेड शिफ्ट स्टोरेज कंज्यूम होता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम में हम लोग एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड ओके, और नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा मीन्स डेटा रिसाइड्स रिसाइड्स इन S3 इटसेल्फ। S3 का तो हम लोग एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, जहां पे जहां से भी आप स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर S3 ओनली। ओके ठीक है,
तो S3 में ही रिसाइड करता है. कितने लोगों ने ये एक्सटर्नल टेबल और इंटरनल टेबल के कॉन्सेप्ट्स की है, यू नीड टू कवर दिस थिंग गाइस. ठीक है, क्योंकि मैंने सर का भी सेशन जब अटेंड किया था स्टार्टिंग में, सर पूछ रहे थे स्कीमा ऑन रीड और स्कीमा ऑन राइट, आपने इसमें कवर नहीं किया है क्या स्पार्क के कॉन्टेक्स्ट में, आपको हाइव नहीं हुआ है ना शायद. ओके, तो सर आपको ना बेसिक चीजें कवर करनी पड़ेगी, हाइव नहीं हुआ है तो. ठीक है, तो लाइक एक्सटर्नल टेबल इंटरनल टेबल्स आपको ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो उससे ही आपको बाकी सारी चीजें समझ में आएगी, HTFS, हाइव मेटा स्टोर, उसके बारे में जो भी चीजें है, हाउ द डेटा स्कीमा ऑन राइट और स्कीमा ऑन रीड आपको क्लियर है क्या, अभी सर ने बताया होगा ना. यस सर ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है स्कीमा ऑन रीड और स्कीमा ऑन राइट को? सर स्कीमा ऑन रीड मीन्स डेटा लोड करने से पहले उसको ट्रांसफॉर्म या स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, और स्कीमा राइट लोड में करने से पहले ठीक सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, पढ़ा है लेकिन वो मतलब ऐसा ही. हाँ, वही तो दिक्कत है. मैं मुझे पता है आपने पढ़ने के बाद भी ना बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे खुद को कंफ्यूजन होती है उसमें. ठीक है, लेकिन वो क्लैरिटी आनी चाहिए, स्कीमा ऑन रीड क्या होता है, स्कीमा ऑन राइट क्या होता है. एग्जाम्पल याद रख लो, स्कीमा ऑन रीड का क्या है और स्कीमा ऑन राइट का क्या है. यस सर स्कीमा ऑन राइट मतलब क्या है, सिंपल, आपको स्कीमा पहले राइट करना पड़ता है, उसके बाद डेटा लोड करते हो आप, जैसे ओरेकल में करते हो. राइट, यस सर ओरेकल में क्या करते हो, क्रिएट टेबल करते हो, टेबल में आप कॉलम नेम डेटा टाइप मेंशन करते हो, वो टेबल क्रिएट होता है पूरे डेटाबेस में, उसके बाद आप इंसर्ट इनटू करते हो. राइट, मतलब पहले स्कीमा डिफाइन करते हो, उसके बाद डेटा लोड करते हो इनटू योर RDBMS का स्टोरेज, एक्चुअल स्टोरेज. ठीक है, लेकिन आप समझो स्कीमा ऑन रीड क्या होता है, जैसे हम लोग अथेना में जो क्वेरी कर रहे हैं एक्सटर्नल टेबल की, हम लोग डेटा पहले S3 में लोड कर रहे हैं. राइट, वी आर नॉट पुटिंग एनी कंडीशंस ऑन लोडिंग अ डेटा इनटू योर स्टोरेज. ठीक है, तो अथेना में जो क्वेरी कर रहे हो दैट इज योर AWS क्वेरी. राइट, तो AWS का स्टोरेज में डेटा पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है अथेना में क्वेरी कर रहे हो तब? पहले पहले आ रहा है. राइट, मीन्स यू आर लोडिंग अ डेटा विदाउट एनी स्कीमा इनटू योर स्टोरेज, देन यू आर क्रिएटिंग अ स्कीमा व्हेन यू वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम स्टोरेज. राइट, मीन्स स्कीमा ऑन रीड मतलब रीड के टाइम पे, डेटा रिट्रीवल और रीड के टाइम पे आप स्कीमा इम्पोज कर रहे हो और उसके हिसाब से उसको रिट्राइव कर रहे हो. तो डिफरेंस समझ में आया क्या RDBMS यस के केस सर में? और यस सर तो इसको ऐसे याद रखो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है, मुझे आता है. ठीक है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन करना पड़ेगा आपको कि राइट मतलब पहले स्कीमा राइट करते हो आप, स्कीमा ऑन राइट पहले स्कीमा राइट करते हो, मीन्स यू डिफाइन अ स्कीमा देन यू लोड अ डेटा. स्कीमा ऑन रीड मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर रीडिंग अ डेटा एट दैट टाइम यू आर डिफाइनिंग अ स्कीमा, मीन्स यू आर लोडिंग डेटा फर्स्ट एंड देन यू आर डिफाइनिंग अ स्कीमा. इन केस ऑफ HDFS ऑल्सो दैट इज वॉट इज डन. ठीक है, HDFS में हम डेटा तो डंप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग अपने हाइव टेबल क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल टेबल वो सब. ठीक है, वो भी आपका स्कीमा ऑन रीड है. राइट, मीन्स RDBMS ऑप्शन आर योर स्कीमा ऑन राइट, एंड दिस हडूप इकोसिस्टम के जो भी ऑप्शन है वो आपकी स्कीमा ऑन रीड है. ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है. मुझे तब सर ने पूछा तो मुझे लगा कि यार क्यों नहीं बता पा रहे हो आप ये चीज. ठीक है, चलो ओके, वो हो गया होगा शायद हम लोग. ओके चलो, सेंस बिन प्रोविजन. ओके, व्हाट विल डू इज विल गो टू रेड शिफ्ट क्वेरी एडिटर. जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, गिव मी सेकंड. ओके, आई एम बैक. तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, रेडशिफ्ट क्वेरी एडिटर हमने ओपन किया. ओके ओके,
है, लेट्स सी हमारा कनेक्शन आता है या नहीं। ओके ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेरी करके देखते हैं इसमें नोटबुक डेव। ओके डेव में टेबल है क्या कोई? ठीक है चलो, हमारा ये नया सर्वरलेस इंजन है वेयर वी हैव सिलेक्टेड दिस वर्क ग्रुप हियर, डीएस वर्क ग्रुप। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोविजन क्लस्टर व्हाट व्हाट डू यू सिलेक्ट? अरे बोलो, म्यूट हो गया मैं? क्लस्टर क्लस्टर नेम राइट? सर। ठीक है चलो, तो ये डिफॉल्ट हमारा स्कीमा है इसमें, सॉरी डेटाबेस है ये। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल लोड अ डेटा। ओके चलो, लेकिन देखो अभी डेटा लोड करने से पहले यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट टाइप, मतलब ये स्कीमा ऑन रीड है या स्कीमा ऑन राइट है? अरे बोलो। स्कीमा ऑन राइट चलो, जो जिसने स्कीमा ऑन राइट बोला है वो एक एक्सप्लेन करो, और जिसने स्कीमा ऑन राइट बोला है रीड बोला है उस वो एक बंदा जो भी है वो एक्सप्लेन करो। ठीक है फर्स्ट फर्स्ट वी आर गिविंग स्कीमा एंड देन वी आर लोडिंग द डेटा यस, सो इट इज स्कीमा ऑन राइट। स्कीमा ऑन राइट और स्कीमा ऑन रीड किसने बोला था वो बताओ। उनका भी ओपिनियन चेंज हो गया क्या इस एक्सप्लेनेशन से? ठीक है, ये स्कीमा ऑन राइट है। देखो आपका डेटा आपके रेडिस स्टोरेज में अब तक आया नहीं है, उसको लाने के लिए आपको पहले आपको स्कीमा डेफिनेशन करनी पड़ेगी। तो वंस वी क्रिएट अ टेबल, आइदर इट कैन बी एन इंटरनल टेबल एज वी आर यूजिंग कॉपी कमांड इन दिस केस, विल बी क्रिएटिंग एन इंटरनल टेबल। तो उसमें पहले स्कीमा डेफिनेशन कर रहे हैं और बाद में हम लोग कॉपी कमांड से डेटा लोड कर रहे हैं, मीन्स डेटा इज कमिंग आफ्टर स्कीमा डेफिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज स्कीमा ऑन। बोलो राइट 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 ऑन राइट यस। चलो, तो व्हाट विल डू इज आई हैव दिस फाइल इन माय दिस बकेट। ओके, ट्रैफिक डेटा सेट की फाइल है स्ट्रीट्स की, इसका हम लोग ये कर लेते हैं एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इफ यू वांट मी टू ओपन दिस फाइल आई आर डू दैट। ओके, आई विल कॉपी दिस स्कीमा, डिफाइन द डेटा टाइप्स, जस्ट अ सेकेंड। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं हम एडिटर। यस चलो, क्या है, क्रिएट टेबल, आपको सिंटैक्सिस पता है ना डिटेल्स के? क्रिएट टेबल, बोलो टेबल नेम और, अरे बोलो क्या करना है बताओ, मुझे नहीं आता है। कॉलम नेम और कॉलम नेम डेटा डेटा टाइप, टाइप कॉलम नेम फील्ड्स लिस्टेड। तो ये आपके हो गए रेडशिफ्ट के डेटा टाइप। ठीक है, तो आपको ना थोड़े बहुत रेडशिफ्ट के डेटा टाइप की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ठीक है, देर आर सर्टेन डेटा टाइप्स इन रेडशिफ्ट, उसके इक्विवेलेंट हाइव या स्पार्क डेटा टाइप्स देखने हैं आपको। ठीक है, मतलब स्पार्क या हाइव की इक्विवेलेंट रेडशिफ्ट डेटा टाइप देखने हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें स्ट्रिंग वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे वारकार होता है। ठीक है, और बिगिंट होता है नॉर्मली, इंटीजर भी है लेकिन प्रॉपर इंटीजर सिंटैक्स है उसका। ठीक है, और ऐसे टाइप के बहुत सारे अलग अलग है, जैसे टाइम स्टैम्प विदाउट टाइम जोन, ऐसे अलग अलग टाइप्स है, जैसे फ्लोट नहीं है यहाँ पे, डबल प्रिसीजन है। तो ये चीजें ना आपको जब डीडीएल कर रहे हो ना तब ध्यान में रखनी है, सिंपल सिक्वल डेटा टाइप्स यूज नहीं करने, समझ में आ रहा है? यहाँ पे फ्लोट करोगे ये सब करोगे तो नहीं होगा।
रेडशिफ्ट के अपने जैसे एज इट सपोर्ट्स पोस्टग्रेसिक्वल, उसके अपने डेटा टाइप्स के नेम्स है, तो उसके हिसाब से आपको डीडीएल करना पड़ता है, ठीक है। तो लेवल क्या होगा हमारा, क्या है उसमें, इंटीजर है क्या? यस इंटीजर है, यस इंटीजर नाम का डेटा टाइप है। चलो ये मैक्स वेलोसिटी, ये क्या है हमारा बताओ। चार, और इसको करते हैं हम लोग 255, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, याद है क्या किसी को, मैक्सिमम मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है रेड शिफ्ट के इसकी? वार्चर डेटा टाइप की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है रेड शिफ्ट में? मैंने एक सिनारियो बताया था। नहीं पता किसी को? 65,534 ही है, ठीक है। तो मैंने मेरे कंपनी में मुझे जो पहले काम मिला था ना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे बेसिक फ्लो, उसमें मुझे ना एक पाइपलाइन में ट्रंकेशन का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना था। फ्रॉम बिन इन आर एस अपलोड के डैग्स में मुझे पहले डेटा ट्रंकेट करना था ट्रांसफॉर्मेशन में, कि कोई भी कोई भी कॉलम जिसकी जिसकी लेंथ 65,534 के ऊपर है, उसको ट्रंकेट करके मुझे 65,534 करना था। क्यों? क्योंकि रेड शिफ्ट में उसके ऊपर की वैल्यू जब वो हम लोग कॉपी कमांड से भेजते हैं या फिर रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम से करते हैं, तो वो फिर स्पेक्ट्रम एरर देते हैं, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन कॉपी कमांड में ना ट्रंकेट कॉलम करके एक ऑप्शन है, दैट विल सी, ठीक है। तो ट्रंकेट कॉलम में वो क्या करता है, हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है, वो जब कॉपी कर रहा है ना तो खुद से ही ट्रंकेट कर लेता है इफ इट इज ब्रीचिंग द कैपेसिटी, ठीक है। तो टाइप क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग ही है ना ये भी, और सॉरी सर मैक्स वेलोसिटी इंटीजर है क्या? ओके नहीं ना, वो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है ना उसमें, तो मैक्स वेलोसिटी इंटीजर है, सर सॉरी इंटीजर है। हाँ इंटीजर है, सॉरी सर। वही बोल। तो हम लोग बिगिन कर लेते हैं। नहीं ठीक, इंटीजर ही, ओके। चिन्मय हो आवाज येतोय का माझा? मला सर, ये तो एक दोनच मिनिटाचा वेळ दे फक्त। तो पार्टिसिपेंट हम क्या करते हैं कि झूम हमें रिपोर्ट देता है कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कब सेशन ज्वाइन किया है, कब सेशन को आउट किया है, और कितने लोग ऐसे हैं जो सेशन में ज्वाइन ही नहीं किया था। तो एज पर दैट डेटा मैंने एक कंक्लूजन अभी मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाला है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो लोग अब्सेंट में ज्यादा आते हैं, जिनकी जिनका ऑप्शन रहने का परसेंटेज ज्यादा है, ऐसे लोगों को अभी ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और वो डेटा मैं पिछले 15 to 20 आपके जो सेशंस हुए हैं जिनमें तो उस हाँ सेशंस के बेसिस पे मैंने वो डेटा निकाला है। आप रिमूव करने के बाद अगर किसी को कोई कंसर्न है, ऐसा लगता है कि सर मी तर त्या क्लास मध्ये होतो तर तुम्ही माझ्या केबिन मध्ये या, मी तुम्हाला बोलतो की तुम्ही खरंच प्रेझेंट होतात का ऑप्शन होतात, मग त्याच्यावर आपण डिसिजन घेऊ, ठीक आहे। आणि हा डेटा उद्या मी उद्या प्लेसमेंटला वापरणार आता। आता स्ट्रेट फॉरवर्ड जे लोक मला वाटतं की लगता है कि आप लोग अटेंटिव नहीं हो, आप लोग सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप इन करते हो और थोड़ी देर के बाद आउट करते हो, लॉग इन नहीं करते हो। मान के चलो आपका 1 घंटे का सेशन है, उसमें आप कितना टाइम इन थे और कितना टाइम आउट थे, ये डिटेल में डेटा हमें चिन्मय जूम के यहाँ से मिलता है हमें, क्योंकि हमारे पास सब जो हमारे जूम के अकाउंट है वो लाइसेंड अकाउंट है, हम वो पेड करते हैं उसके लिए, तो हम जो मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा आता है। तो वो इनिशियली मैंने ये बताया था इन लोगों को। तो अभी जो एडमिन है, एडमिन को मैं यही बताने वाला हूँ कि जो लोग ऐसे डिफॉल्टर में आ रहे हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप से आप निकाल सकते हो। तो वो ग्रुप से निकालने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका उसमें नाम है तो आप मुझे आके क्लास में आप मेरे केबिन में आके मिलो और बोलो सर मैंने मैंने तो ज्वाइन किया था, आपने मुझे गलती से निकाला,
तो मैं चेक करूंगा कि आपने सच में ज्वाइन किया था कि नहीं किया था, वो सारी चीजें ट्रैक की जाए। और हमारे पास दो अलग अलग रिपोर्ट है, एक झूम देता है वो है, और हम मैनुअली भी चीजें ये करते हैं। पर आमच्याकडे आम्ही त्यासाठी जे ठेवलेलं आहे अटेंडन्स घेण्यासाठी। ठीक आहे सचिन, मैं ओके सर, ओके ओके। सो हमने डिटेल कर लिया चीजों को, ठीक है। तो लेट्स वेरीफाई, ठीक है। तो हम लोग ना एक बार हमारा डेटा ना चैट जीपीटी में डाल के एक बार देख लेते हैं वो क्या देता है हमें डिटेल। वी डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, इट इज बेटर टू वेरीफाई, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज विल इंसर्ट दिस डेटा इनटू, ठीक है, यहाँ पे एंड आस्क आस्क हिम टू राइट अ कॉपी कमांड एज वेल एज अ डीडीएल। ओके, ठीक है, गिव मी पेपर डीडीएल फॉर Redshift and also copy command. Again, let's see what it gives. गलत दे रहा है, int data type है ही नहीं। ओके, ठीक है। इसके इससे जाने से अच्छा है हम लोग खुद के कन्विक्शन से जाते हैं, ठीक है। ये गलत दे रहा है हमें। विल क्रिएट दिस डीडीएल, इज देयर एनीथिंग मिसिंग, क्रिएट टेबल, देख लेते हैं इसमें, वही है, ठीक है, करेक्ट है हमारा सिंटैक्स, लेट्स रन इट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रिफ्रेश करके। एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, टेबल तो क्रिएट हो गया है। लेट्स सी वी कैन लोड द डेटा इनटू दिस टेबल और नॉट, ठीक है। तो लोड कैसे करेंगे हम लोग इसमें, यूजिंग कॉपी कमांड। आई एड वन मोर सेल्स। उसके पहले हम लोग ना कॉपी कमांड को एक बार समझ लेते हैं। आई हैव दिस कॉपीड इन टू नोट पैड। ओके, एज वी सॉ देर आर टू ऑप्शन, कॉपी कमांड एंड इट्स स्पेक्ट्रम। वन, इन कॉपी कमांड वी क्रिएट अ इंटरनल और मैनेज टेबल एंड डेटा इज एक्चुअली मूव फ्रॉम योर सोर्स लोकेशन लाइक S3 टू रेडशिफ्ट स्टोरेज। ओके, इन दिस केस फर्स्ट वी क्रिएट अ स्कीमा देन वी लोड द डेटा। ओके, एंड इन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम एन एक्सटर्नल टेबल इज क्रिएटेड एंड देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा। तो ठीक है, तो इसमें एक लॉजिक अगर किसी कोई अप्लाई कर सकता है, व्हाइल क्वेरिंग टेबल विच हैज लोडेड द डेटा यूजिंग कॉपी कमांड, एक वो ए टेबल है समझो, और रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम का एक्सटर्नल टेबल बी टेबल है, तो क्वेरी किससे फास्ट होगी या किससे स्लो होगी, एक पैरामीटर पे जज करना है आपको, दैट इज डेटा फेचिंग, ठीक है। तो आप कोई बता सकता है क्या क्वेरी फास्टर या स्लोअर किससे होंगी और उसका रीजन? रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम से तो मतलब ठीक फास्टर है, होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि डेटा एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है, अपन ओके, जस्ट एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि रेड कॉपी कमांड से डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है, सिर्फ जो लोडेड डेटा है ना उसको क्वेरी करना है सब। देखो, अभी स्ट्रीट्स है, हमने स्ट्रीट्स में अभी लोड कर दिया, उस पे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ करो क्वेरी, राइट? उसका डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है जब लोड कर दिया हमने कॉपी स्टोरेज कमांड, में रेडशिफ्ट स्टोरेज में, राइट? एंड इन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम आपने एक्सटर्नल टेबल क्रिएट किया, आपने डेटा लोड किया क्या उसमें रेडशिफ्ट में? नहीं। नो। तो उस पे जब क्वेरी करोगे तो इन दोनों में विद दिस रिस्पेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हमारा, व्हाइल क्वेरिंग
तो डेटा फेचिंग के लिए किसको ज्यादा टाइम लगेगा अगर लॉजिकली देखोगे? स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा सर, लगेगा, स्पेक्ट्रम को ज्यादा के लिए ज्यादा लगेगा लगेगा स्पेक्ट्रम वो कितने लोग बोल रहे हो हैंड रेस्ट? स्पेक्ट्रम को ज्यादा उसका रीजन बताओ मुझे, इससे ज्यादा लगेगा डजेंट मैटर, कोई भी अनम्यूट करके मुझे रीजन बता दो। सर, क्योंकि डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है रेडशिफ्ट के स्टोरेज में, तो यस वो इजियर होगा उसके लिए, तो टाइम यस यस कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा। आई वांट कीवर्ड ओके, एग्जीक्यूशन टाइम विल बी लेस। व्हाई व्हाई दैट इज द क्वेश्चन राइट, दैट इज द प्रिजम्पशन दैट आई एम ऑल्सो सेइंग कि कॉपी कमांड से जो डेटा ट्रांसफर लेती जो है। होता है डेटा का, वो यस S3 से रेडशिफ्ट में लाने का जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। व्हाट डू यू कॉल इट? चलो, डेटा नेटवर्क लेटेंसी, अटैच, फिजिकली अटैच, ये देखा है हमने, EBS इज नेटवर्क अटैच, और आपका इंस्टेंट स्टोरेज फिजिकली अटैच, दैट्स व्हाई नेटवर्क लेटेंसी इज, मतलब लेटेंसी इज मोर इन केस ऑफ नेटवर्क अटैच, एंड फिजिकली अटैच चीज है तो उसमें लेटेंसी कम होगी। ये पता है लेटेंसी कीवर्ड तो पता है हमें, ठीक यस सर, यस सर, है? सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क? यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि जब आप क्वेरी करोगे ना रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम टेबल्स को, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम में नेटवर्क लेटेंसी एक पार्ट है जो आपको फेस करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड यू मोर फैसिलिटीज लाइक परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्म्स, लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म नहीं करने हैं, सिर्फ अपेंड करना है लोड, जैसे हम, मैंने आज ग्रुप में डायग्राम डाली, देखो ग्रुप में डायग्राम डाली थी ना मैंने एक, रिलेटेड टू हिस्ट्री लोड, वो सब चीजें कैसे करते हैं हम लोग, उस क्लास में हमने निकाली थी वो। तो उस केस में आपको स्टेजिंग टेबल से हिस्ट्री टेबल्स में डेटा डालना है, सिर्फ सिर्फ अपेंड के लॉजिक लगाने हैं मर्ज के, तो उस केस में कॉपी कमांड एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको टेम्पररी टेबल क्रिएट करके उसके डेटा पे ट्रांसफॉर्म्स करके उसको लोड करना है, तो रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, ठीक है? दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स, पहले अभी हम लोग कॉपी कमांड देख लेते हैं इन डिटेल, ठीक है? तो कॉपी कमांड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखो, कॉपी टेबल नेम, ये टेबल नेम कौन सा है? आपका रेडशिफ्ट टेबल, जो भी आपने रेडशिफ्ट में टेबल स्कीमा ऑन राइट में क्रिएट किया है पहले स्कीमा बना के, तो वो हो गया आपका डेस्टिनेशन टेबल। कॉपी टेबल नेम मीन्स कॉपी स्ट्रीट्स, ये कॉलम लिस्ट क्या है? इफ यू वांट टू स्पेसिफाई ऑर्डर, ठीक है, आपके डेटा सोर्स में अगर ABCD ऐसे ऑर्डर है और आपने जो स्कीमा क्रिएट किया है उसमें BCDA ऑर्डर है, तो आपको वन टू वन रिलेशनशिप तो बनानी है कैसे लोड कर रहे हो, तो उसमें आप कॉलम लिस्ट में टू कंप्लाई विद योर डेटा सोर्स का स्कीमा यू कैन प्रोवाइड दिस कॉलम लिस्ट, ठीक है? सो दिस कॉलम लिस्ट पैरामीटर इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट प्रोवाइड दिस डायरेक्टली इन दोनों के स्कीमा को वो वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ये चीज समझ में आई सबको? यस हेलो सर, सर, हाँ बोलो। कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? यस यस श्योर, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका डेटा सोर्स है जो S3 है, राइट? S3 में आपका स्ट्रीट टेबल है, उसमें आपके कॉलम नेम कौन से ऑर्डर में है, ABCD, राइट? लेकिन आपने एक स्ट्रीट टेबल रेडशिफ्ट में क्रिएट किया है, राइट? उसमें आपको रीऑर्डरिंग चाहिए, ठीक है? आपने क्या किया, DCBA किया, ठीक है? तो आपको जो भी लोड करना है ABCD से लोड हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग आपके टेबल को कैसे लोड करोगे आप, मतलब हाउ डू यू से इट, रुको ओके, देखो यहाँ पे देखो, इट इज अ कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ कॉलम्स इन टारगेट टेबल, ठीक है? इफ नॉट स्पेसिफाइड रेडशिफ्ट अज्यूम दैट कॉलम ऑर्डर इन द सोर्स फाइल मैचेस द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन द टारगेट टेबल। समझ में आ रहा है? इससे कुछ समझ में आया क्या? कॉलम ऑर्डर अगर आपके टारगेट और सोर्स में अलग है ना, तो आपको ये कॉलम लिस्ट यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस इज द ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है? देखो, अगर आपको S3 बकेट में जो फाइल है वो वैसी की वैसी ही आपने DDL किया है रेडशिफ्ट में, एंड यू वॉन्ट टू लोड द डेटा एज इट इज, देन देर इज नो नीड ऑफ यूजिंग कॉलम लिस्ट, ठीक है? इफ इट
इफ एट ऑल दोनों के डीडीएल में ऑर्डर स्पेसिफाइड अलग है, देन यू यू हैव टू प्रोवाइड दिस कॉलम दिस पैरामीटर. अभी समझ में आया? व्हेन डू यू ओके सर, नीड कॉलम दिस यस गॉट पैरामीटर? इट. यस सर. ठीक है, चलेगा. तो दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर, नॉट नेसेसरली यू हैव टू प्रोवाइड इट. ओके, तो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, ये डेस्टिनेशन टेबल हो गया, फ्रॉम द डेटा सोर्स ये हो गया आपका S3 लोकेशन. ठीक है, ये हो गया आपका S3 URI फॉर योर फाइल, डिटेल्ड S3 URI फॉर योर फाइल टिल फाइल नेम. ठीक है, तो आपका कॉपी कमांड में क्या हो गया, कॉपी डेस्टिनेशन टेबल ऑप्शनल कॉलम डिस पैरामीटर फ्रॉम टारगेट टारगेट फाइल लोकेशन. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ऑप्शंस. दीज आर द ऑप्शंस विच कैन बी कॉन्फिगर्ड, ठीक है, फॉर बेटर डेटा ट्रांसफर. तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, दैट विल हैव अ लुक एट. तो टेबल नेम तो हो गया आपका नेम ऑफ टारगेट टेबल यू वांट टू लोड डेटा इनटू, कॉलम लिस्ट हो गया डेटा सोर्स, स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ डेटा दैट यू वांट टू कॉपी, एंड दिस कैन बी योर S3 बकेट, EMR क्लस्टर, डेटा फाइल ऑन योर लोकल फाइल सिस्टम और रिमोट होस्ट यूजिंग SSH. ठीक है, तो डेटा सोर्स कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो अभी के लिए तो हम लोग S3 को ले रहे हैं. ठीक है, एंड दीज आर ऑप्शंस. ऑप्शन ऑप्शन पैरामीटर मतलब आपको एडिशनल कॉन्फिगरेशन फॉर कॉपी कमांड अगर प्रोवाइड करने, लाइक फाइल फॉर्मेट, डीलिमिटर, डेटा एनकोडिंग, एरर हैंडलिंग, तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में मिलेंगे. विल हैव अ लुक एट ऑल द ऑप्शन दैट इट प्रोवाइड्स. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट. यू कैन मेंशन अ फाइल फॉर्मेट ऑफ अ फाइल विच यू आर लोडिंग. ठीक है, अगर आपकी S3 में CSV फाइल है एंड यू वॉन्ट टू लोड इट इन टू योर टेबल इन रेड शिफ्ट, यू विल प्रोवाइड अ फाइल फॉर्मेट एज CSV. How it will help? कोई बता सकता है कि ऐसी चीजें मेंशन करने का फायदा क्या होगा? Redshift इंजिन को समझ में आएगा ना कि कौन से टाइप का डेटा लोड कर रहे हैं हम लोग, राइट? जब क्रॉलिंग वगैरह भी करते थे, वी डू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ फाइल इट इज एंड ऑल, राइट? यस सर. तो दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ ऑप्शन हेल्प्स यूर बैकग्राउंड इंजिन टू बेटर क्लासीफाई योर डेटा. ठीक है, तो उसके बाद अगर इफ इट इज CSV, यू कैन प्रोवाइड अ डीलिमिटर दैट यू वांट टू प्रोवाइड. ठीक है, स्पेसिफाई द फील्ड डिलिमिटर यूज्ड इन द सोर्स डेटा. यू कैन प्रोवाइड अ डीलिमिटर वेदर यू हैव अ पाइप डीलिमिटर, कॉमा डीलिमिटर, कोलन, व्हाटएवर. ठीक है, यू कैन प्रोवाइड अ डीलिमिटर इग्नोर हेडर एंड. ठीक है, हमने ये देखा है काफी जगह पे इग्नोर हेडर. इफ यू वॉन्ट टू इग्नोर नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ योर डेटा फॉर सर्टेन नंबर ऑफ लाइन्स, आपको अगर लोड करना स्किप करना है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन इग्नोर हेडर. एंड हमने बाकी जगह पे भी देखा है इग्नोर हेडर. यस सर, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग, राइट? आपको क्लाइंट की तरफ से जब फाइल आती है उसमें एक पहला रिकॉर्ड हेडर का रहता है, बट व्हेन यू आर लोडिंग इनटू डिफरेंट सिस्टम्स और स्कीमा ऑन राइट सिस्टम, आप स्कीमा तो पहले कर रहे हो, स्कीमा पहले डिफाइन कर रहे हो, यू जस्ट वॉन्ट टू लोड डेटा. इन दोज केसेस यू डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर स्कीमा नेम लिस्ट एज अ फर्स्ट एंट्री इन योर डेटा, राइट? इन दोज केसेस यू विल यूज दिस इग्नोर हेडर ऑप्शन. ओके, हमने ये काफी बार यूज किया है तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. फिल रिकॉर्ड, तो ये अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है. ठीक है, अगर समझो आपको compliance, audit and future forecast. What I'm trying to say is, अगर समझो streets table है जो file आ रही है customer से अभी के लिए, आज के लिए, उसमें सिर्फ 5 columns है. ठीक है, there are only 5 columns. But जब हम longer vision की बात करते हैं तो it is forecasted कि आगे की use cases के लिए अगर हमें पता है 10 column लगने वाले, there are 5 additional columns and we will द डेटा विल बी मतलब जो भी फ्यूचर फाइल्स है उसमें ये 6, 7, 8, 9 कॉलम कभी भी एड हो सकते हैं. इन दैट केस वॉट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ रेडशिफ्ट टेबल फॉर 10 कॉलम्स. ठीक है, जितनी फाइल्स आ रही है ना, जितने फाइल्स में जितने कॉलम आ रही है उसके हिसाब से आप बाकी को नल फिल कर सकते हो, राइट? एंड वेन एवर द कॉलम्स विल स्टार्ट सपोर्टिंग,
दिस विल बी एडेड एज पार्ट ऑफ योर फाइल्स, बराबर कस्टमर से जो फाइल्स आ रही है उसके उसमें वैल्यूज आती रहेगी. किसी को समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डू आई नीड टू ड्रॉ इट और समथिंग लाइक दैट? चलो लिख के देते हैं. किसी को नहीं समझ में आया? समझो, चलो आपका डेटा आ रहा है कस्टमर से या फिर क्लाइंट को. डेटा फ्रॉम क्लाइंट, एक टेबल है उसमें 5 कॉलम्स है, ठीक है. लेकिन फ्यूचर फॉरकास्ट है, आप कोई भी क्लाइंट है उसको पता है कि देयर कैन बी, अभी के डेटा तो मेरा नेसेंट है लेकिन फ्यूचर में मुझे कुछ कॉलम्स लगने वाले हैं. लेकिन अभी की मेरी जो सिस्टम है इन डेवलपमेंट है दैट इज नॉट सपोर्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ कॉलम्स या सर्टेन टाइप ऑफ फील्ड्स. अभी वो डेवलपमेंट में है लेकिन मुझे पता है कि वो फील्ड फ्यूचर में ऐड होने वाली है, ठीक है. तो फ्यूचर फॉरकास्ट में टोटल ऐसे 5 कॉलम्स है जो, ठीक है, जो ऐड होने वाले, ठीक है, जो आपके डेटा फाइल्स में फ्यूचर में आने वाले, ठीक है. बट अभी जो आप रेड शिफ्ट में टेबल क्रिएट कर रहे हो ना, इफ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन रेड शिफ्ट यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर ऑल दिस कॉलम्स, ठीक है. चलो ये इसको अलग कर लेते, 3 कर लेते. चलो 3 कॉलम्स फॉरकास्टेड है. तो ट्रेड शिफ्ट में आप ना ये 8 कॉलम्स का स्कीमा बनाओगे, ठीक है, 8 कॉलम्स का स्कीमा बनाओगे. लेकिन आपको लग रहा होगा रेड शिफ्ट में तो 8 कॉलम है, आप फाइल में से तो 5 ही कॉलम है, ठीक है, लोड करते समय दिक्कत नहीं होगी क्या? तो दिस ऑप्शन फिल रिकॉर्ड व्हाट इट डज इज इट एड नल नल कॉलम्स टू मैच द टारगेट टेबल्स कॉलम काउंट इफ द सोर्स डेटा हैज मिसिंग कॉलम्स, ठीक है. समझ में आ रहा है ये चीज? कितने लोगों को यस समझ में आई बताओ? यस यस सर आई है ना, ठीक है. चलो ध्यान दे रहे होगे तो आ रही होगी. अगर एक्सप्लेनेशन और चाहिए आपको इस चीज के बारे में आई कैन डू दैट, बट 2-3 लोग ही है जिनको समझ में आया है. ओके ठीक है, 20 क्रॉस कर दिया, मतलब मैंने मेरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. चलो तो ओके चलो ये मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए. तो फील्ड रिकॉर्ड समझ में आ गया आपको. जब फ्यूचर में वो कॉलम के डिटेल्स आएंगे तो इट विल नॉट फील नल, वो ऐड होते जाएंगे उसमें रिकॉर्ड, राइट. तो फील्ड रिकॉर्ड ये हो गया हमारा इनक्रिप्टेड. ये तो सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है. अगर कॉपी कमांड के टाइम पे फ्रॉम S3 टू रेड शिफ्ट जब डेटा आ रहा है उसको अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको भेजना है, यू वॉन्ट टू सिक्योर इट वाइल ट्रांसफर, तो आप एनक्रिप्टेड करके वहां पे सिंटैक्स लिख सकते हो, ठीक है. मैक्स एरर एन करके एक ऑप्शन है, मैक्स एरर एन एक ऐसा ऑप्शन है. उसमें क्या है, देखो आप कॉपी कमांड कर रहे हो बट देयर कैन बी सर्टेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच कैन, मतलब ऐसे हो सकता है कि वो रिकॉर्ड्स कंप्लायंट नहीं है आपके जो भी डेफिनेशन है, लाइक जो टारगेट स्कीमा है उससे कंप्लायंट नहीं है. बट आपकी डिफरेंट क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है कि कितने नंबर ऑफ सच कंप्लायंसेस कैन बी इग्नोर्ड वाइल टर्मिनेटिंग द कॉपी कमांड ऑपरेशन, ठीक है. तो अगर समझो यू आर लोडिंग अ फाइल ऑफ 10 GB, समझो 1 GB, समझो देयर इट हैज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड. इन दैट केस आपका क्लाइंट बोलता है यू कैन इग्नोर अप टू 10 रिकॉर्ड्स. तो व्हाट यू कैन डू इज मैक्स एरर 10 को सेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एरर्स दैट यू विल अवॉइड बिफोर बिफोर टर्मिनेटिंग दैट ऑपरेशन और बिफोर फेलिंग दैट ऑपरेशन, ठीक है. अगर मैक्स एरर 10 करते हो तो 10 रिकॉर्ड के इश्यूज तक वो आपकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा. अगर वो 10 की बाउंड्री पार करता है, मैक्स एरर लिमिट पार करता है, इन दैट केस इट विल टर्मिनेट दैट कॉपी ऑपरेशन. समझ में आया मैक्स एरर ऑप्शन? यस सर समझ में आया ना? सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. क्रेडेंशियल्स यू नो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन. इफ यू वांट, अगर Boto3 से कर रहे हो, अगर आप अपने कंसोल से कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी क्रेडेंशियल्स, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी विद क्रेडेंशियल, यूजर के क्रेडेंशियल्स ही उस सिस्टम में हो. लेकिन व्हेन यू आर एक्सेसिंग इट यूजिंग Boto3 एंड ऑल, कॉपी कमांड Boto3 से कर रहे हो, इन दैट केस यू विल हैव टू
प्रोवाइड दिस क्रेडेंशियल्स पैरामीटर. ठीक है, ये समझ में आया क्रेडेंशियल्स कब यूज करोगे? यस. ठीक है, बोटो थ्री किया है सबने थोड़ा बहुत परफॉर्म करके? यस सर. यस सर. रेट जिम्मेदारी है कि यू विल एक्सप्लोर अबाउट रेड शिफ्ट ऑल्सो. ठीक है, बाद में हम लोग लेंगे, लेकिन आज का पढ़ाना हो गया ना, तो कॉपी कमांड को कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे रेड शिफ्ट में? ये बेसिक वर्क फ्लो तो आप कर सकते हो ना, रेड शिफ्ट का क्लाइंट बनाना है और कॉपी कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है देखना है, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हो ना. तो इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एनी सिक्वल, तो ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कर्सर कैसे बनाते हैं, एक साइकोपीजी करके लाइब्रेरी है. ठीक है, मैं मुझे बताना नहीं चाहिए, एक आपको एक्सप्लोर करने के लिए देना चाहिए, लेकिन चलो. साइकोपीजी करके एक लाइब्रेरी है, इफ यू वांट टू इन योर पाइथन कोड, अगर आपको कोई भी सिक्वल क्वेरी रन करनी है, तो यू नीड टू मेक कनेक्शन टू अ सिक्वल सिस्टम, और उसमें कर्सर से आप आपकी सिक्वल क्वेरी रन कर सकते हो. तो साइकोपीजी एक ऐसा कनेक्शन ये है जो आपके पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्शन बनाता है और वहां पे आपकी क्वेरी रन करता है. ठीक है, तो आपको साइकोपीजी के बारे में देख लेना चाहिए. ठीक है, आप अगर बोटो थ्री से कर रहे हो कुछ चीजें, यू नीड टू परफॉर्म दिस कॉपी कमांड ऑपरेशन ऑन योर रेड शिफ्ट. ठीक है, तो आपको साइकोपीजी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, कनेक्शन डॉट कर्सर करके वगैरह होता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, यू जस्ट शुड नॉट बी मतलब यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करोगे और कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा है मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो जैसे अगर हाइव क्वेरीज करनी है पाइथन कोड से, तो पाई हाइव करके ऑप्शन है, या फिर इम्पाला डीबी एपीआई करके एक ऑप्शन है. ठीक है, तो ये सारे कनेक्शन है. ओके, तो देख लेना, करके देख लेना साइकोपीजी यूज. कंप्यूट डेट ऑन ऑफ ये छोड़ दो, अभी के लिए ये छोड़ दो, मैं निकाल देता हूँ. रिकैलकुलेट द टेबल स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये छोड़ दो, वी डोंट. चलो इसमें मतलब छोड़ दो, ये इग्नोर कर दो ऑप्शन. इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर. ओके, जीजिप क्या है? कॉम्प्रेशन फॉर्मेट है. हमें कितने कॉम्प्रेशन फॉर्मेट पता है? अभी मैंने बोला था कि बीजिप, जीजिप और जीजिप है, बीजिप टू है, राइट? यस यस सर. एक दो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट को याद रखो, जब भी आप आंसर करोगे ना, तो यू आपका अगर नॉलेज आपको शो ऑफ ही करना होता है, राइट, इंटरव्यू में, तो नॉलेज शो ऑफ करते समय अगर ये बता दोगे तो अच्छा रहता है. ठीक है, जीजी बीजिप टू एक कॉम्प्रेशन फॉर्मेट से रेडशिफ्ट में, या फिर बाकी इसमें भी अवेलेबल है. आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस ट्रंकेट कॉलम ऑप्शन, अभी मैं बीच में बातें कर रहा था उसके बारे में कि मुझे जो काम मिला था. यू हैव दिस ट्रंकेट कॉलम ऑप्शन इन योर कॉपी कमांड. अगर आपको इफ देर इज अ चांस कि कोई कॉलम आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेडशिफ्ट ब्रीच कर सकता है, यू विल बी यूजिंग दिस ऑप्शन. ओके, इट ट्रंकेट्स द डेटा दैट एक्सीड्स द कॉलम लेंथ इन द टारगेट टेबल. समझ में आ रहा है? Not just maximum limit, but the target. यहाँ पे देखो, इससे समझ में आ रहा है. Exceeds the column length also. What does it mean? Not just the max limit, right? If you see, we have mentioned this, right? 255. Name का 255 है, लेकिन जब load कर रहे हैं हम लोग S3 से, वहाँ पे अगर 5000 characters है, लेकिन आपका target कितना ले सकता है? 255 characters, right? 255 bytes. तो वो ट्रंकेट करेगा 255 बाइट्स में उसको. ठीक है, समझ में आई ये चीज? श्योर? डू यू वांट टू एक्सप्लेन दिस अगेन? बाकी लोग भी बोल लो कभी. गॉट इट, राइट? चलो, ट्रंकेट कॉलम्स एक ऑप्शन है. रिमूव कोड्स, इफ यू वांट टू रिमूव सराउंडिंग कोड्स फ्रॉम योर डेटा फील्ड्स, यू कैन यूज दिस ऑप्शन. ठीक है, देर आर मल्टीपल ऑप्शन. ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस ना पता होने चाहिए, लाइक ये मैक्स एरर ऑप्शंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
encrypted options. अगर कोई पूछता है आपको how you ensure a security while transferring data from S3 to Redshift using copy command. So you can use this knowledge to tell them that there is encrypted option in copy command which you can utilize to encrypt your data while transferring. ठीक है. If you want to explain about certain compression and all, तो gzip के बारे में बता सकते हो. जो मैंने सिनारियो बताया उसके बारे में अगर कुछ करना है तो क्या होता है इंटरव्यू में क्वेश्चन ना डायरेक्टली कोई कैन यू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस इन कॉपी कमांड नहीं पूछेगा. ठीक है, वो जो सिनारियो बताते ना उसके हिसाब से इफ यू नो दिस ऑप्शंस इन डिटेल, इफ यू हैव नॉलेज कि कॉपी कमांड में इसके लिए कुछ ऑप्शंस है दैट कॉपी कमांड कैन हैंडल ऑन इट्स ओन, ठीक है, तो आपको वो आंसर देने में इजी हो जाता है. ठीक है, जैसे मुझे मेरे इंटरव्यू में पूछा था मैक्स एरर के बारे में और सिर्फ मुझे ना 3-4 ही ऑप्शन पता थे उस टाइम पे रिलेटेड टू कॉपी कमांड और उसमें से मैक्स एरर था. ठीक है, तो मैक्स एरर मुझे पहले से पढ़ के रखा था मैंने, तो मैक्स एरर के बारे में पूछा था कि मुझे क्या पूछा था कि सिंपली आपके केस में डू यू हैव एनी क्या बोलते हो SLA ब्रीच कि जहां पे इतने रिकॉर्ड्स फेल होने के बाद आपका ऑपरेशन टर्मिनेट होना चाहिए. ठीक है, तो ये उन्होंने रेडशिफ्ट कॉपी कमांड के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा था. ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था कि टारगेट में कितने रिकॉर्ड्स फेल होने के बाद या फिर कितने रिकॉर्ड नॉन कंप्लायंट होने के बाद आपको आपका ऑपरेशन टर्मिनेट करना है. ठीक है, वो रन टर्मिनेट करना है. तो मैंने वहां पे उसको यहाँ ये वाला ऑप्शन एक्सप्लेन किया था मैक्स एरर. ठीक है, अगर मेरे टेबल में हम लोगों ने मैक्स एरर लिमिट मैन्युअली सेट की है अकॉर्डिंग टू मतलब 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, जब हम लोग DDL परफॉर्म कर रहे हैं ना, सॉरी कॉपी कमांड बिल्ड कर रहे हैं ना, वही पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर गोइंग टू be loaded using copy command और उसका 1% कितना है, वो वैल्यू हम लोग मैक्स एरर ऑफ n में डालते हैं. n की वैल्यू मतलब वो होती. तो मैंने ऐसे बताया था उस टाइम पे. ठीक है, तो आपको ना ये ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे कि या इसका क्या यूज है, लेकिन ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कुछ चीजें बताने के लिए. ठीक है, चलो तो कॉपी कमांड आपको समझ गई, लेट्स मूव अहेड, विल परफॉर्म दिस कॉपी कमांड. ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉपी टेबल नेम क्या है हमारा, सबको समझ में आया ना वो जो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए वो. टेबल इज स्ट्रीट्स, तो मुझे कॉपी कमांड आप समझाओगे. ठीक है, कॉपी स्ट्रीट्स फ्रॉम क्या करूं मैं, S3 UI. ओके ठीक है, मैं करता हूँ. ठीक है, इसके बाद ऑप्शन यूज करने हैं मुझे, राइट, कौन से देना पड़ेगा, क्या फॉर्मेट. चलो फॉर्मेट मेरा है CSV और इग्नोर हेडर्स देना पड़ेगा, इग्नोर हेडर्स. ठीक है, इग्नोर हेडर्स क्या है उसमें, हमने देखा था इग्नोर हेडर्स एंड राइट इग्नोर हेडर्स वन. हम लोग इसको चैट जीपीटी से करेक्ट कर लेंगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू नो अबाउट एवरी माइन्यूट सिंटैक्स एंड ऑल. ओके, आपको सिर्फ ये ऑप्शंस अच्छे से पता होने चाहिए. विल मेक करेक्शन यूजिंग चैट जीपीटी. ओके, इग्नोर हेडर्स और क्या हो सकता है, डिलिमिटर. IAM रोल देना पड़ेगा क्या, IAM रोल देना पड़ेगा, राइट. यस सर. ठीक है, चलो IAM रोल इसको करेक्ट करते हैं, ARN प्रोवाइड कर देते हैं इसका. ठीक है, तो हमारा यही है कमांड एक्सेस रोल, राइट. चलो ओके, CSV इग्नोर और क्या लास्ट क्या बोला था आपने, और डिलिमिटर भी था, डीलिमिटर देना पड़ेगा. चलो CSV के बाद हम लोग डीलिमिटर दे देते.
है, चलो इसको करेक्ट कर लेते हम लोग चैट जीपीटी से, हमें पता नहीं है। आप हो गया, उसको पूछ सकते हैं। देखो उसने बहुत सारे ऑप्शन दिए, रीजन नहीं किया। देखो हमारी रिक्वायरमेंट इससे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, मैक्स एरर वगैरह करना है तो हम लोग करके देख सकते हैं बाद में। लेट्स सी ये होता है क्या। अभी कॉपी टेबल नेम स्ट्रीट्स, ये तो करेक्ट किया है हमने। लोकेशन आई एम रूल इज ऑल्सो करेक्ट, चलो आई गेस दिस शुड वर्क। लोडेड डेटा, ठीक है, 79 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है, हम लोग इसको पेरी करके देख लेते हैं। तो लेफ्ट कार फ्रॉम फ्रिज, ठीक है, डेटा लोड हुआ है करेक्टली हमारा, जो भी दिख रहा है उसमें से समझ में आ रहा है, ठीक यस सर, है। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें समझ में आई है कॉपी कमांड के बारे में, हमें समझ में आया क्या क्या चाहिए कॉपी कमांड के लिए रिक्वायर्ड। अगर आपको रेडशिफ्ट में अगर कोई भी टेबल लोड करना है, मतलब कोई भी डेटा लोड करना है, व्हाट इज द प्रोसेस यू विल फॉलो इफ यू वांट टू यूज कॉपी कमांड, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है अब तक जो भी चीजें कवर किया हूं? ब्रीफली एक्सप्लेन करो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 ऐसे, फर्स्ट इज दिस, विल क्रिएट दिस, सेकंड इज दिस। हेलो सर, हाँ बोलो। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द टेबल, देन वी नीड टू मेंशन द स्कीमा लाइक कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स, देन वी नीड टू राइट द कॉपी कमांड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्स दैट फर्स्ट वी नीड टू मेंशन द टारगेट टेबल वेयर वी वांट टू कॉपी द डेटा, देन ओके, वी नीड टू मेंशन द यूआरआई पाथ ऑफ द सोर्स डेटा, then we need to mention the ARN of the IAM role, and after that we are having optional commands like file format, delimiter, or ignore header. ओके, ठीक है, चलो पूछो सर एक क्वेश्चन पूछू क्या? पूछो। अभी पहले जो हमने किया था ना ये क्लस्टर क्रिएशन या टेबल क्रिएशन पब्लिक स्कीमा में, तो और डिफॉल्ट टेबल्स थे वहां पे पब्लिक में, तो अभी एक ही क्यों दिखा रहा है वो? मतलब वो डिफॉल्ट डिलीट हो गए होते हैं क्या? कैसे होता है वो? क्योंकि कहाँ पे डिफॉल्ट, जब हाँ हमने वहां प्रोविजन पे, हाँ क्लस्टर किया था तब क्या? हाँ वहां पे 5 6 डिफॉल्ट टेबल थे, तो अभी टेबल्स में एक ही दिखा रहा है स्ट्रीट्स टेबल। हाँ, तो जो हमने लोड किया है वही दिखा रहा है। अच्छा उसमें शायद तो हमने सैंपल डेटा सेट लोड करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ होगा, या फिर जब आई डोंट नो, वो जब हमने प्रोविजनिंग ऑप्शन से किया था तब की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ सर, तब हमने सैंपल डेटा लोड किया था। हाँ, तो सैंपल डेटा का ऑप्शन अलग दिखा रहा था ना उसमें, हाँ लेकिन तब ना पब्लिक के इसमें 5 6 यस टेबल्स 5 6 थे। हाँ टेबल दिखा रहे थे, राइट। हाँ पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ से, हमने कोई ओके ऑप्शन चूज किया होगा क्लस्टरिंग के टाइम पे या फिर के अच्छा टाइम अच्छा पे, तो अच्छा ओके उसके टेबल सर्वरलेस में तो कोई ऑप्शन नहीं आया हमें, ओके 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 राइट। सर, सर्वरलेस में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया कि टू, अगर कोई डेमो टेबल, डेमो नोटबुक, ऐसा कुछ ऑप्शन आया नहीं है, तो अच्छा शायद उसका होगा। इग्नोर दैट, दैट इज यस नॉट सर आंसर, राइट। ओके ठीक है, आप अपना नया डेटाबेस बना बना सकते हो, डोंट नीड टू यूज दिस डेव डिफॉल्ट वन ऑल्सो, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटाबेस, हियर इज द ऑप्शन। डेटाबेस क्रिएट करो, उसमें का स्कीमा क्रिएट करो और वहां पे टेबल क्रिएट करके लोड करो।
वील ओके नॉट सर बी यूजिंग डिफॉल्ट डिफॉल्ट वंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, हम अपने यूटिलिटी के हिसाब से अलग डेटाबेस, अलग स्कीमा, अलग टेबल उसमें डालते हैं. ठीक है, तो अलग अलग डेटाबेसेस मेंटेन होते हैं सारी चीजों के लिए. करेक्ट. यस सर यस ठीक है, चलो आज की कॉपी कमांड रिलेटेड चीजें समझ में आई हमको. हम लोग और कोई टेबल पे करके देखना है क्या? दिस इज सिंपल राइट, और कुछ नहीं है राइट इसमें. हमें लोडिंग समझ में आया ना क्या करना है. आप परफॉर्म कर पाओगे? कैन यू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन लाइक मैक्स एरर एंड ऑल? आप जब करोगे ना अभी परफॉर्म, ट्राई टू एक्सप्लोर दिस मैक्स एरर ऑप्शन. कैसे टेस्ट करोगे उसको, मतलब वेदर योर कॉपी कमांड विल फेल और नॉट? कैसे टेस्ट करोगे? हाउ यू विल परफॉर्म दैट यूज केस? डेटा टाइप चेंज अलग कर हो सकते दो. हैं, उसमें यस एक एरर आ यस सकता है। एग्जैक्टली. तो आप क्या करो, अगर मैक्स एरर 10 दिखा रहे हो ना, आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है, तो ट्राई टू मतलब अलग अलग पोजीशंस पे ना, 10वीं पोजीशन पे एक गलत रिकॉर्ड, 40th पोजीशन पे एक गलत रिकॉर्ड, और मैक्स एरर ऑफ 5 कर दिया आपने समझो, तो कहाँ तक रिकॉर्ड वो पार्स करता है या फिर कहाँ तक कॉपी करता है, वो एक यूज केस देख लेना. ठीक है, आप कर पाओगे ये यस मैक्स एरर एक्सप्लोर कर सर पाओगे? आई वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम यू गाइस. ठीक है, देखो ये आप खुद से करोगे ना, तब आपको ना बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने का ये आएगा. ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस तो बाकी के बता दिए, लेकिन व्हाट इश्यू इट कॉजेस वो आपको खुद समझने की जरूरत है. तो ट्राई टू डू दिस, इफ वो होता नहीं है तो विल सी क्या होता है. ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नई चीज खुद से सीखना आना चाहिए. ठीक है, तो मैक्स एरर का सिनारियो खुद क्रिएट करो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ट्राई टू मेक चेंजेस इन योर डेटा सेट, उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट करो और फिर उसको लोड करो. सिंपल डेटा सेट लो, एक ही टेबल पे करो. ठीक है, आपको कॉपी कमांड की यूटिलिटी समझ में आई? क्यों चाहिए हमें? यस सर समझ में आई है राइट? हम लोग कल रेशियो स्पेक्ट्रम देखते हैं. ठीक है, तो उसके बाद ना हम लोग एक वर्क फ्लो देखेंगे, वन यूटिलाइजिंग कॉपी कमांड एंड वन यूटिलाइजिंग रेशियो स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो आप ना इंटरनल टेबल एक्सटर्नल टेबल के बारे में थोड़ा पढ़ लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है. ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा यार, रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम S3 से डेटा फेच कैसे कर रहा है, आपको एक्सटर्नल टेबल की कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी. ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहोगे. ओके चलो गाइस, फिर आज का सेशन एंड करते हैं. सारी चीजें क्लियर है, किसी को डाउट वगैरह होगा तो बता देना. आई एल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ठीक है.